नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आप सबका पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड से प्रथम सर्ग, और प्रथम सर्ग का आज है दूसरा भाग। और आज इस दूसरे भाग में हम देखेंगे मैनाक पर्वत का प्रसंग, जब मैनाक समुद्र तल से ऊपर आए और हनुमान जी को अपने ऊपर आश्रय दिया कि उन्हें इस लंबी यात्रा के बीच थोड़ा विश्राम मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इति कृत्वा मतिम साधीम समुद्रश्चन्नमम्भसि हिरण्याभम मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम् त्वमिहासुर संघानाम् देवराज्ञा महात्मना पाताल निलयानाम् हि परिघः सन्निवेशितः त्वमेषां ज्ञातवीराणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम। स एष कपि शार्दूलस्त्वामुपर्येति वीरवान् हनुमान् रामकारार्थी भीम कर्मा क्षमा प्लुतः। तब समुद्र ने ये शुभ विचार किया और अपने जल में छिपे हुए सुवर्णमय गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा, हे शैल प्रवर महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है, वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो जाओ। हे शैल, ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की शक्ति है तुम में हे गिरिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम ऊपर की ओर उठो। देखो ये पराक्रमी कपिकेसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। यही समय है कि तुम्हें इनकी सहायता करनी चाहिए। अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परम पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यम् अस्माकं नानः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यं कृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिला दूर्ध्वम् उत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम्बरः चामी कर महानाभ देवगंधर्व सेवित हनुमान् स्वयं विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यान्विशंस्यं च मैथिल्याशविवासनम् श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि। तो आगे कहते हैं समुद्र मैनाक पर्वत से कि ये इक्ष्वाकुवंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकुवंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं, अतः तुम हमारी सहायता करो जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का हनुमान जी के सत्कार रूपी कार्य का अवसर बीत न जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया गया
तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। इसीलिए तुम पानी से ऊपर उठो, जिससे ये छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरें, विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं, देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्णमय विशाल शिखर वाले हे मैनाक, तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। ककुत्स्थ वंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानर राज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपात जलातूर्णम् महाद्रुमलतावृतः स सागर जलम् भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रिस्तस्तदा यथा जलधरम् भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृंगाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृंगैः स किन्नर महोरगैः आदित्योदय संकाशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् तस्य जाम्बूनदैः शृंगैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसंकाशमभवत् कांचन प्रभम्। तो समुद्र ने जब कहा मैनाक पर्वत से कि तुम्हें हनुमान जी को विश्राम देने के लिए ऊपर उठना चाहिए, तो यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत सुवर्णमय मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। जैसे उद्दीप्त किरणों वाले दिवाकर सूर्य भगवान मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल का भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। तो समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशाल काय पर्वत ने दो ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। उस पर्वत के वे शिखर सुवर्णमय थे, उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा सी खींच रहे थे। उस पर्वत के उठे हुए सुवर्णमय शिखरों के कारण शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। जात रूपमयैः श्रृंगैर भ्राजमानैर महाप्रभैः आदित्य शत संकाशः सो अभवत् गिरिसत्तमः समुत्थितम संगेन हनुमान ग्रतः स्थितम् मध्ये लवण तोयस्य विघ्नो अयमिति निश्चितः सातमुच्छ्रितम् अत्यर्थम् महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतम् इव मारुतः स तदा साधितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगम् जहर्ष च ननाद च तमाकाशगतम् वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिम्। तो उस परम कांतिमान और तेजस्वी सुवर्णमय शिखरों से वह गिरिश्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहा था। क्षार समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर
हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। अतः वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उसके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्न चित्त होकर कहा, मानुषम धारयन रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम श्रृंगेषु सुखम विश्रम्य गम्यताम राघवस्य कुले जाते रुदधिः परिवर्धितः स त्वां राम हिते युक्तम प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेषु क्षमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषम प्रक्रमतामिति। तब मैनाक पर्वत आगे कहता है हनुमान जी से कि हे वानर शिरोमणि, आपने यह दुष्कर कर्म किया है, अब उतर कर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, यही सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने योग्य है, आप इसका सत्कार ग्रहण करें, बस इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है कि इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। तिष्ठ त्वम हरि शार्दूल मय विश्रम्य गम्यताम तदिदम गंधवत स्वादु कंदमूल फलम बहु तदास्वाद्य हरि श्रेष्ठ विश्रांतो अथ गमिष्यसि अस्माकमपि संबंधः कपि मुख्य त्वया स्थिवै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुण परिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जरः। आगे कहता है मैनाक कि हे कपिश्रेष्ठ, इसलिए आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंदमूल तथा फल हैं, तो हे वानर शिरोमणि, इनका आस्वादन कीजिए, इन्हें चखिए, थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, फिर उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ कीजिएगा। हे कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है,
आप महान गुणों का संग्रह करने वाले हैं और तीनों लोकों में विख्यात हैं। तो हे कपिश्रेष्ठ, पवन नंदन, जो जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आपको ही श्रेष्ठतम मानता हूँ। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या। तो हे कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। निवेदन है आपसे कि मेरा आश्रय स्वीकार कीजिए। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजाम प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे श्रृणु चाप्यत्र कारणम्। पूर्वम कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो अभवन् ते अपि जगमुर्दिशः सर्वा गरुडाइव वेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसंघा सहर्षिभिः भूतानि च भयं जगमुस्तेषां पतनशंकया। ततः क्रुद्ध सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः स मामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट। ततो अहं सहसाक्षिप्तः श्वसनेन महात्मना। तो आगे कहते हैं पर्वतराज मैनाक कि आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। हेतात, पूर्व काल के सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। उनके इस तरह वेगपूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। इससे सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततो अहं मानयामि त्वाम् मान्योऽसि मम मारुते त्वया ममेश सम्बन्धः कपि मुख्य महागुणः अस्मिन्ने अवंगते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महामते। क्षमं मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तमा प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतो अस्मि तव दर्शना एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तम अब्रवीत् प्रीतो अस्मि कृतं आतिथ्यं मन्युरेशो अपनीयताम्। तो आगे बताते हैं उसी वृत्तांत को कि हे वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। तो हे पवन नंदन कपिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका आदर करता हूँ, आप मेरे माननीय हैं, आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। तो हे महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार रूप कार्य आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्नचित्त होकर
मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें, हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करें। हे वानर शिरोमणि, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा कि मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। त्वरते कार्य कालो में आहश्चाप्यति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ताना स्थातव्यम् इहांतरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव स पर्वत समुद्राभ्याम् बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरभिनन्दितः अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहाणवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः। तो हनुमान जी को जल्दी भी है, लेकिन अब उनकी बात भी टाल नहीं सकते। कहते हैं, मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है, यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए वहाँ मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। और फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। उसके बाद तो वो और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं सुंदरकांड के प्रथम सर्ग का दूसरा भाग। ओम श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमः।